हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फिनटेक बूम पर। तो यार सैमसंग F62 काफी हाइप बनी हुई है, काफी दिनों से आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, स्पेसिफिकेशन भी पता चल गई होंगी, लेकिन मैंने थंबनेल टाइटल में लिखा है ओवर हाइप्ड। क्यों लिखा है वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। आपने काफी सारी एक्सक्लूसिव वीडियो इसकी स्पेसिफिकेशन की वीडियो देख ली होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक इसका ऐसा फीचर बताने वाला हूं यार, जिसको सुन के शायद आपको लगे कि यार ये तो कोई बता ही नहीं रहा कि इस फोन में ये होने नहीं वाला। मतलब सबसे बड़ा कौन हो सकता है इस फोन का, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग इसको ना लेके Realme और MI की तरफ जाएं। हालांकि ये फोन जो स्पेसिफिकेशन के साथ अभी तक निकल के आ रहा है ना, Realme MI को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, लेकिन एक फीचर इसका बताया नहीं जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी फोन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप Samsung M51 लेने की सोच रहे थे ना, तो आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए, क्योंकि उसी का अपग्रेड ये फोन होने वाला है और उसी प्राइस पे आने वाला है। या फिर 25,000 का कोई भी फोन लेने की सोच रहे थे या इस फोन का इंतजार कर रहे थे ना, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। फिर किस बात की देरी यार, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लूँ डिजाइन को लेकर, तो यार डिजाइन के मामले में सैमसंग जैसे डिजाइन निकालता है ना, काफी अच्छा है। हालांकि ये फोन ब्लैक कलर में आ जाता है, तो ब्लैक कलर में काफी और तगड़ा लगेगा। कैमरा सेटअप मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, काफी मतलब अलग सी अप्रोच लग रही है इस प्राइस सेगमेंट पे। हालांकि आप भी जरूर बताना आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है सैमसंग F62 का, जो कि फोटोज लीक होकर निकल के आ रही है। मतलब वैसे मतलब लुक्स में तो काफी अच्छा है फोन, लेकिन यार इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ ना, तो ये काफी हैवी वेट होने वाला है। कहा जा रहा है इसका वेट 215 ग्राम और उससे भी ज्यादा हैवी, मतलब काफी बल्की फोन हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी लगी। इसके साथ साथ इसका दूसरा और सबसे बड़े कॉन्स की बात करूं डिजाइन और लुक्स में, तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी, पीछे की साइड आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी यार। मतलब 15-16 हज़ार में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो ग्लास बैग देखने को मिलनी चाहिए, जैसे कि पोको M2 प्रो में देखने को मिलती है। लेकिन सैमसंग 25,000 के फोन में प्लास्टिक बैग दे रहा है, तो मतलब बहुत ही बेकार चीज है, ग्लास बैग देखने को मिलनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता हैवी वेट होने वाला है। और एक और कॉन्स बताऊं तो यार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। अब इसको मैं कॉन्स में क्यों गिन रहा हूं यार, क्योंकि इसमें है ना एमोलेड स्क्रीन है, तो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता तो काफी अच्छी बात होती। साइड माउंटेड और रियर माउंटेड कोई मायने नहीं रखता, LCD होती तो चल जाता, लेकिन एमोलेड स्क्रीन में तो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलना चाहिए था। हालांकि लुक्स के हिसाब से यार काफी अच्छा है, लेकिन डिजाइन में मैं यार बिल्ड क्वालिटी को लेकर और वेट को लेकर काफी मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को ये फोन। डिस्प्ले को लेकर बात करूं तो 6.7 इंच की पंच होल डिजाइन के साथ आने वाली फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि सैमसंग F51 में भी देखने को मिल जाती थी। वैसे ये सैमसंग M51 जैसा ही फोन है, बस थोड़ा सा अपग्रेड करा गया। मतलब थोड़ा सा क्या, जो एक चीज अपग्रेड करी गई है ना, वो बहुत ही तगड़ी अपग्रेड करी गई है, आगे चल के उसके बारे में बात करूंगा। डिस्प्ले की बात करूं तो अगर 90Hz का हाईर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता तो काफी अच्छी बात होती, लेकिन यार मेरे को डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि आपको हो सकती है कि यार हाईर रिफ्रेश रेट दे देता, लेकिन सैमसंग की डिस्प्ले वाकई में काफी अच्छी होती है। 25,000 में सुपर एमोलेड स्क्रीन दे रहा है यार, काफी अच्छा, और पंच होल डिजाइन भी दे रहा, तो मेरे को तो डिस्प्ले बहुत पसंद आई। हालांकि आप भी अपने ओपिनियन जरूर बताना, क्या इस फोन में हाईर रिफ्रेश रेट भी होना चाहिए था या नहीं। बात करूं बैटरी को लेकर तो भाई सैमसंग M51 वाले होने वाली और सबसे मतलब बेस्ट बैटरी है इस प्राइस पे, 7000 mAh की बैटरी यार। मतलब आप अपने फोन को है ना शायद 2 दिन तक भी चला लो, लेकिन 25 वाट का चार्जर टाइप सी पोर्ट के साथ और चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी के मामले में तो यार कोई शिकायत कर ही नहीं सकता। मतलब 7000 mAh बैटरी सैमसंग के ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगी, बैटरी के मामले में सैमसंग हमेशा बढ़िया ही काम करता है। बात करूं इसके कैमरा को लेकर, और अक्सर आप यार जानते होंगे 25,000 के नीचे जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स आते हैं ना, उनमें दो ही कमी होती है, एक प्रोसेसर जो एक्सिनोस का अच्छा सा नहीं डालता, एक कैमरा। कैमरा मतलब अच्छा तो होता है, लेकिन सैमसंग अपने खुद के सेंसर यूज करता है, सोनी के सेंसर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इस फोन में ऐसा नहीं है। जैसा कि सैमसंग M51 में भी था, वैसे ही कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, जो कि सोनी IMX सेंसर के साथ आएगा, 686 काफी तगड़ा होगा। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल के बुके, मतलब मैक्रो और बुके में भी क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी होगी पंच होल डिजाइन के साथ, और यार जितना भी मतलब जैसा कैमरा सेटअप दे रहा है ना रियर और सेल्फी कैमरा का, मेरे को वाकई में काफी पसंद आया। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सोनी का सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो यार काफी कमाल की फोटोज और वीडियोज निकल के आएंगी, जैसे कि सैमसंग M51 में भी आती थी। अब बात कर ले यार इसके प्रोसेसर को लेकर, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। हालांकि सैमसंग M51 जैसी सारी स्पेसिफिकेशन थी, लेकिन प्रोसेसर को काफी इंप्रूव करा गया। मतलब सैमसंग M51 में यार प्रोसेसर 730G देखने को मिलता था, जो कि उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक तो नहीं था, पर जैसे सैमसंग प्रोसेसर देता है अच्छा था। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का एक्सिनोस 9825, जो कि आपको पिछले साल मतलब 2019 में नोट 10 सीरीज में भी देखने को मिला था, और ये 7 नैनोमीटर पर बेस्ड प्रोसेसर है। और अगर आपको नहीं पता ये नैनोमीटर क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं, तो यार इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रोसेसर के बारे में, सब कुछ समझाया था, आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। अगर आप कोई भी फोन बाय करते हो ना, तो उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और इस प्रोसेसर की बात करूं ना, तो यार ये
प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन का 765G आता है ना, उससे कई कदम आगे निकल जाता है और टक्कर लेता है यार Dimensity का 1000 प्लस जो कि Realme X7 Pro में देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन का 855 से, मतलब इनसे थोड़ा पीछे रह जाता है लेकिन काफ़ी अच्छी टक्कर लेता है और 25,000 के सेगमेंट में मतलब बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर होने वाला है। तो यार सैमसंग का वन UI भी इसमें लगा होगा, UI भी काफ़ी कमाल का है और प्रोसेसर भी काफ़ी कमाल का है, मतलब परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ बढ़िया होने वाला है और बैटरी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। अब इसके सारे फीचर्स तो हो गए, मैं बात कर लूँ जो मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि सबसे बड़े कौन की जो बात करने वाला हूँ, और उसके बाद प्राइसिंग बताऊँ तो यार दो वेरियंट में आ सकता है, 6+64GB, 6+128GB, और जो इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है ना बेस वेरियंट की 25,000 के नीचे, अब मेरे को यही लग रहा है कि ये 24,999 का आएगा, मतलब ऐसा ही होता है यार जब भी कंपनी टीज करती है ना 20,000 के नीचे तो 19,999, 1 रुपया कम कर देते हैं, तो इसकी प्राइसिंग मेरे को लग रहा है 24,999 आएगी, जैसे कि सैमसंग M51 की रखी गई थी, अब M51 की प्राइसिंग गिरा दी गई है, 23,000 पे आ गई है, थोड़े दिनों बाद ये भी गिर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो कौन की बात कर रहा हूँ यार, ये 4G होने वाला है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये प्रोसेसर तो 5G है तो ये फोन 4G कैसे होएगा, मैं बता दूं जो प्रोसेसर होते हैं ना वो 5G 4G मॉडम्स को सपोर्ट करते हैं, प्रोसेसर 4G 5G कुछ नहीं होते, अगर आपको नहीं पता तो। जैसे एग्जांपल दूं iQOO 3 स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, लेकिन उसका 4G मॉडल भी आता है और 5G मॉडल भी आता है, मतलब एक में आपको 5G मॉडम लगे हुए देखने को मिलते हैं और 4G एक में 4G देखने को मिलते हैं, मतलब जो प्रोसेसर होता है ना वो 4G 5G मॉडम को सपोर्ट करता है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें 5G मॉडम डाल रही है या नहीं डाल रही, तो अब सैमसंग ने कोई टीज नहीं करा और 99% शोर हुई है 4G फोन ही आने वाला, मतलब इस प्राइस पे ये फोन आ रहा है ना अगर 5G के साथ आता तो Realme X7 Pro, Mi 10i, Realme X7 इन सबको बहुत अच्छी टक्कर देता, बहुत अग्रेसिव प्राइस पे आता, लेकिन कई लोग बस इसको यार इसी वजह से नहीं ले पाएंगे कि ये 4G आ रहा है। अब कई लोग कहेंगे यार कि 4G मतलब 5G नेटवर्क अभी तक इंडिया में आई नहीं है, तो ये बता दूं अगर आप 5G एक फोन लेते हो ना तो आपके 4G नेटवर्क पे भी मतलब फर्क पड़ता है, जैसे कि अगर आप एक 4G सिम एक 4G फोन में चला रहे हो और 5G फोन में चला रहे हो तो 5G फोन में आपके थोड़े ज़्यादा नेटवर्क कवरेज एरिया ज़्यादा अच्छी आएगी, थोड़ी नेट स्पीड ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा अच्छी चलेगी और नेटवर्क भी थोड़े अच्छे आएंगे, तो यार ये भी फर्क पड़ता है। और बात करूं 5G को लेके तो यार आपको पता ही है 5G बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है, जियो 2021 में ही लाने वाला है और एयरटेल ने तो टेस्टिंग शुरू कर भी दिया, हालांकि मानता हूं कि 2021 तक नहीं आएगा, लेट हो जाएगा, लेकिन फरवरी तक तो आ ही जाएगा। हालांकि आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप अगर एक फोन लेते हो तो ऑन एवरेज कितने महीने में बदलते हो, कितने साल में बदलते हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या जब तक वो मतलब 5 साल जब तक वो अच्छे से खराब नहीं हो जाता। तो अगर आप 1 साल में ही फोन बदलते हो, ऐसी आपकी आदत है ना, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2-3 साल चलाऊंगा तो भाई 5G आने के बाद आपको थोड़ा होगा कि काश उस टाइम मैंने 5G फोन ले लिया होता उनकी स्पीड देख के, और जैसे ही 5G मतलब नया नया आएगा ना तो कम लोगों के पास होता है और तेज चलता है। अब स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग के हिसाब से बात करूं तो यार बहुत अच्छा फोन है, अगर आप 4G 5G की तरफ नहीं देखते तो काफी अच्छा है, आप ले सकते हो, ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो इस प्राइस सेगमेंट पे। लेकिन अगर ये 5G के साथ आ जाता ना तो इसका मैं कह सकता हूं कि यार इसका कोई कंपटीशन ही नहीं बचता इस प्राइस सेगमेंट पे, बहुत ही तगड़ा फोन हो जाता। हालांकि आप जरूर बताना आपके लिए मैटर करता है 4G या 5G या नहीं, मैं बताऊं तो यार अब तो करता है, क्योंकि मतलब अगर मैं 15-18 हज़ार तक भी फोन लेने जाऊं ना तो मेरे को लगेगा कि हाँ चलो अभी 4G ले लूं, 5G अवेलेबल नहीं है, लेकिन 25,000 तक अगर अभी इसी टाइम पे मैं खर्च करूं तो यार 5G ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं 5G के साथ ही जाना पसंद करूंगा। वैसे फोन बहुत अच्छा है, हालांकि आप पे डिपेंड करता है बस, मतलब इतना बड़ा भी कॉन्स नहीं है ये कि आप इस फोन को लो ही ना, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको 5G ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है तो 5G फोन के साथ जाना, या फिर एक बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ इस फोन के साथ जा सकते हो। हालांकि आप भी अपनी राय ना कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि क्या अगर ये 4G फोन आता है 25,000 में आपको कोई फोन लेना हो इसी प्राइस सेगमेंट पे, आप इस फोन को लोगे या फिर मतलब Mi 10i, Realme X7 Pro थोड़े पैसे ऊपर देके एक 5G फोन के साथ जाना पसंद करोगे। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो रिलेटेड करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए की वॉचिंग फन टेक बूम।